इस टीम से जुड़े हुए हैं। चलिए आइए मैच की पहली बॉल, फाइनल मैच की पहली बॉल, अनुज गुप्ता राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, पहली बॉल लाजवाब बॉल, अच्छी बॉल थी, वहां पे अपील की जा रही थी, उत्साह में ज्यादा विश्वास में कम देखे गए, वेरी गुड डिसीजन बाय स्क्वायर लेग अंपायर सुनील कुमार मौर्य, बहुत अच्छा जजमेंट यहाँ पे, अच्छी बॉल थी, कुछ भी समझ में नहीं आया शेखर यादव को। देखिए इस टीम की खासियत है रफ्तार, और ये जो विकेट बना है बिल्कुल गेंदबाजों के अनुरूप बना हुआ है, फिर से तैयार होते हुए शेखर यादव, अनुज गुप्ता दौड़ना शुरू किया, एक मरतबा फिर से ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज अनुज, डंडा बाहर कर दिया, क्लीन बोल्ड, साफ आउट हो गए हैं, तो बिल्कुल खराब क्रिकेट कही जा सकती है, कोई जरूरत नहीं थी इस प्रकार की अनचाहे स्ट्रोक खेलने की, पहला ओवर आया था, पहली बॉल पे ही आपने गच्चा खाया था और अनचाहे अंदाज में बल्ला घुमा दिया, एक दो ओवर आप टाइम ले सकते हैं, ये उच्च क्वालिटी की बॉलिंग हो रही है, इसके सामने आप आड़े टेढ़े बल्ले से रन नहीं बना सकते, आपको सीधे बल्लेबाजी करना होगा, आपको टेक्निकल क्रिकेट खेलनी होगी, आपको पिछले मैच से सीखना होगा, आपको 80-90 रन बनाना होगा, तब इस टीम को आप परास्त कर सकते हैं, अगर 60-65 पर रुक जाएंगे तो फिर से ये टीम चैंपियन बन सकती है, तो इस चीज को अपने जहन अपने मस्तिष्क अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब आ रहे हैं देखिए सलमान मिर्जा, ये देखिए ग्लैमर खेला है यहाँ पे, अजय यादव टीम कैप्टन, ग्राउंड कैप्टन अजय यादव है, लेकिन टीम कैप्टन बब्बू राय साहब ने बिल्कुल सलमान मिर्जा को बोला है जाइए मोर्चा संभालिए, आज देखना होगा, पहले तो तमाम बड़े प्लेयरों की जमकर खबर ली गाजीपुर की बॉलिंग लाइनअप ने, अब उसी लाइन में खड़े हैं प्रदीप शेखर प्रवीण सिकंदर, अब इनकी परीक्षा बाकी है, चलिए चौथी मरतबा, देखिए वेल प्लेड, ये करना होगा आपको, देखिए क्राउड कैच पर जितने दर्शक इस मैच का लुत्फ आनंद उठा रहे हैं ध्यान दीजिएगा, क्राउड कैच पे जो इनाम है अजीत यादव जी ब्लॉक प्रमुख ताबरपुर 100 रुपए, ग्राम प्रधान उकरौड़ा अरविंद यादव जी 100 रुपए, अरुण भाई साहब की तरफ से 100 रुपए, अतुल सिंह जी 100 रुपए, अनिल जी 100 रुपए, अशोक जी 100 रुपए और रवि जी 200 रुपए, ये टोटल राशि है, मिला दी जाए तो लगभग 800 रुपए की राशि हो रही है, तो छक्का लगेगा, कैच पकड़िए आपका काम बनेगा, अब स्ट्राइक पे होंगे मऊ जिले के सबसे उदयमान क्रिकेटरों में से प्रदीप यादव, पहली बार सामना करेंगे, बहुत बेहतरीन गेंद, क्या सुंदर दृश्य, देखने में बिल्कुल आनंदमय दृश्य है ये, बल्ले को छूटी हुई गेंद निकल गई सीधा विकेट कीपर रोहित के दस्तानों में, लाजवाब स्पेल चल रहा है इस समय अनुज गुप्ता का गाजीपुर आतिफ 11 की तरफ से, शुक्रिया, बेहतरीन माहौल बना हुआ है क्रिकेट के हिसाब से, बिल्कुल लाजवाब मौसम इस समय, फिर से एक बार दौड़ना शुरू किया अनुज गुप्ता सीधे बल्ले से कारपेट के सहारे खेला है, वहां भी बताएंगे, धन्यवाद, एक बार हम फिर से आप तमाम लोगों को बता दे इस फाइनल मैच के उद्घाटन करता हम लोगों के बड़े भाई गार्जियन माननीय श्री विजय यादव जी जिला पंचायत अध्यक्ष आजमगढ़ हम लोगों के बीच मौजूद हैं और इस मैच का पूरा आनंद उठा रहे हैं और एक इनिंग के बाद आप जाएंगे और रिबन काट कर उद्घाटन करेंगे इस शानदार महामुकाबले का, फिर से अनुज गुप्ता वेल प्लेड वंस अगेन सलमान मिर्जा, अ वेरी गुड ओवर बोल्ड बाई अनुज गुप्ता, फर्स्ट ओवर टोटल 2 रन फलास ऑफ 1 विकेट, एक ओवर में 2 रन और 1 विकेट, दूसरे ओवर में अब देखना है कौन सा गेंदबाज होता है गाजीपुर की तरफ से, संभवतः अनिल प्रधान जा रहे हैं बॉलिंग करने के लिए, बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल रही है गाजीपुर की टीम, तो एक चीज हम बता दें जो जीते वो अलग बात है लेकिन हार के आप सीख सकते हैं, तो पिछले मैच में आपने देखा 60 रन पे रुक गई थी बड़ी टीम, तो आप 100 मत सोचिए, आप 90, 85, 80 बनाइए उसके बाद अच्छी बॉलिंग करिए, अगर 80 सोच कर खेलेंगे तो 100 बन सकता है, कहीं ना कहीं 120 सोच कर खेलेंगे तो फंस जाएंगे आप, तो बॉल की मेरिट पे खेलिए, उस बॉल पे हिट करिए जो आप कंफर्म हो श्योर हो, क्योंकि इस पे उटपटांग तरीके से आप रन नहीं बना सकते, आड़ी टेढ़ी बल्लेबाजी इस पे काम नहीं करेगी, आपको
बिल्कुल प्रॉपर क्रिकेटिंग सेंस से बल्लेबाजी करना होगा। तो दूसरे ओवर में मुकाबला होगा। अब देखिए इनामों की झड़ी है, हैट्रिक छक्का या हैट्रिक विकेट लेने पे ग्राम प्रधान उकरौड़ा अरविंद यादव जी बड़े भाई की तरफ से हैट्रिक चौका भी अगर आप लगा देते हैं तो 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ में अजित यादव जी ब्लॉक प्रमुख तहबरपुर आजमगढ़, आपके द्वारा भी बल्ला घुमाया जरूर था। और चल दिए हैं अरविंद प्रदीप यादव चलते हुए। देखिए अजित यादव जी की तरफ से भी 1000 रुपए, अशोक यादव जी 500 रुपए, अरुण यादव जी 1000 रुपए, हर छक्के पे 100 रुपए, हर विकेट पे 100 रुपए। तो ये काउंट करते रहिए स्कोरर महोदय, कौन सा गेंदबाज कितना विकेट ले रहा है। अब आ रहे हैं प्रवीण गिल। तो आज बहुत बड़े बड़े सितारे आए इस जमीन पे, लेकिन कोई भी बल्लेबाज इंप्रेस नहीं किया, कोई भी बल्लेबाज दर्शकों का दिल नहीं जीता है। 75 स्टार देने के लिए भाई। चलिए देखिए वो इनाम तो लगातार 6 छक्का लगाइए जो इस विकेट पे बहुत मुश्किल काम है, बेहद टफ वर्क है। ओके तो बड़े भाई अजीत यादव जी और अरविंद यादव जी आप दोनों लोग की तरफ से 5000 रुपए का इनाम दिया जाएगा जो बहुत मुश्किल काम है, वो भी ऐसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ इस विकेट पे लगातार 6 छक्का मारना मुझको तो नहीं लग रहा है। और अजीत यादव जी प्रमुख साहब की तरफ से भी 5000, बिल्कुल जब बॉल डिलीवर हो तो बिल्कुल वहां पे थोड़ी सी शांति रखनी चाहिए, काट बिहाइंड सुनने में देखने में थोड़ी सी दुश्वारी होती है। वो तो प्रदीप यादव जैसे ही बैट का मोटा एज लगा वापस चले गए, कहीं ना कहीं गाजीपुर हल्ला बोल क्रिकेट खेल रही है इस उकरौड़ा आजमगढ़ की सरजमी पे, पूरी तरीके से पूर्वांचल के तमाम दिग्गजों को ढेर करती हुई नजर आ रही है। अब आ गए हैं प्रवीण यादव और आजम गोरखपुर। कट किया, अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्ड प्लेसमेंट, बिल्कुल ये चतुराई है। उनको मालूम है कि तेज विकेट है, थर्ड मैन और फाइनल लेग पे बहुत सारी गेंद आएगी, तो अच्छी फील्ड वहां पे लगा रखी है टीम कैप्टन आतिफ इलेवन गाजीपुर ने। 3 रन, महज 3 रन पे दो बड़े बल्लेबाज, दोनों सलामी बल्लेबाज आराम फरमा रहे हैं इस समय मात्र 3 के व्यक्तिगत स्कोर पे। इस बीच सलमान मिर्जा का करारा स्ट्रोक कारपेट के सहारे, सुनील बोकारो ने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया, तब तक महज 1 रन। प्रत्येक छक्के पे 100 रुपए और प्रत्येक विकेट पे 100 रुपए, ये भी इनाम हमको लग रहा है अरविंद यादव जी ग्राम प्रधान उकरौड़ा की तरफ से है। और क्राउड कैच करिए और 800 रुपए का इनाम जीतिए। लेकिन क्राउड कैच करें तो करें कैसे, जब बॉल उनके पास जाएगी हवा में तब ना गई। ये है मिस्टर परवीन गिल, पहला लेफ्टहैंडर जिसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ऊंचा लंबा स्ट्रोक खेला। गिल इन फॉर्म है, बड़ी अच्छी लय में है प्रवीण गिल, बड़ी लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। 100 रुपए का इनाम जीत चुके हैं प्रवीण गिल। फिर से एक बार तैयार है प्रवीण गिल, अनिल की अगली बॉल, बैक टू बैक ह्यूज स्ट्रोक, व्हाट अ ब्यूटीफुल, और 800 रुपया छूट गया वहां पे, 800 रुपया छूट गया। ये देखिए कह दिया है प्रवीण गिल ने कि हम रुकने वालों में से नहीं है। 175 नंबर, ये क्रिस गेल की टी शर्ट का नंबर है, जिन्होंने T20 के इतिहास का हाईएस्ट स्कोर है वो 175 रन है। पुणे वॉरियर्स के खिलाफ लगाया था क्रिस गेल ने आईपीएल 2013 में। तो आंधी हैट्रिक, क्या हैट्रिक लगेगी, क्या मामला बनेगा, नहीं वापसी किया, बल्ला घुमाया था बिल्कुल, मौका बनाया था, पछता रहे होंगे प्रवीण गिल। बॉल उनके रेडार उनके एरिया में थी, बड़ी देर के बाद हल्ला बोल बल्लेबाजी देखने को मिली। 2 ओवर 16 रन 2 विकेट, लाजवाब। जहां बल्लेबाज पूरी तरीके से नतमस्तक थे वहीं बैक टू बैक 2 छक्का लगाया प्रवीण गिल ने। अखिलेश यादव
मैदान के बीचों बीच आए हैं कुछ बात बताने के लिए। हाँ, मैच थोड़ा तेजी में रहे दोनों निर्णायक महोदय और खास करके टीम कैप्टन ऑफ गाजीपुर। चेस करना है और एक औपचारिकता भी बाकी है। बड़े भाई विजय यादव जी जाएंगे, एक इनिंग के बाद रिबन काटेंगे और इस शानदार फाइनल मैच का ओपनिंग करेंगे, जो कि हम लोगों के बीच इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं और अपना बेशकीमती समय निकालकर इस स्वर्गीय राजेंद्र यादव जी की स्मृति में प्रफुल्ल यादव स्टार क्रिकेटर के द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में अपना समय निकाला और फाइनल मैच का पूरा आनंद उठाते हुए। तो अब तीसरे ओवर में बॉलिंग करेंगे अंकित सिंह कल्की। काफी ज्यादा अनुभव है इनके पास, बॉल को वेरिएशन करने के लिए जाने जाते हैं। तो सलमान मिर्जा जिस काम के लिए भेजे गए बखूबी उस काम को अंजाम दे रहे हैं, उनको मालूम है किस स्तर की बल्लेबाजी। देखिए बिल्कुल, वो ज्यादातर स्ट्राइक पे लाएंगे अपने साथी बल्लेबाज प्रवीण गिल को और मौका बनाता ओवर थ्रो हुआ। राहुल सिंह पिंडोरी वहां मौजूद है, गेंद को फील्ड किया, तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था छोर बदलने का। बहुत लाजवाब स्कोरिंग चल रही है प्रेमी जी के द्वारा यहाँ पे, तो अच्छी क्रिकेट बिल्कुल फाइनल जिस तरीके से यहाँ चलना चाहिए चल रहा है। तो अभी इस ओवर के बाद मैं खालिद को माइक कराऊंगा अगले दो ओवर के लिए। बड़े अच्छे कमेंटेटर हैं और बड़ी बारीकियां जानते हैं क्रिकेट के बारे में। अच्छी बॉल वंस अगेन डॉट कराया सलमान मिर्जा को, तो हैट्रिक छक्कों और चौकों पे तमाम इनाम है। आप हैट्रिक छक्का चौका लगाइए और कई प्रकार के इनाम यहाँ लगाए गए हैं, जीतिए उस इनाम को। फिर से अंकित, अच्छी बॉल, एक बार फिर से कलाइयों का इस्तेमाल किया संभवतः और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। देखिए ये सेंसिबल क्रिकेट चल रही, इनको मालूम है कि 80 90 100 तक अगर ये टीम पहुंच जाएगी तो इनके पास भी अजय यादव, सलमान मिर्जा, अखिलेश यादव, विशाल सिंह, ये बड़े बड़े गेंदबाज हैं जो 80 90 रन के टारगेट पे लड़ाई कर सकते हैं, क्योंकि गाजीपुर की जो स्ट्रेंथ है, जो इनकी ताकत है, वो इनकी गेंदबाजी है। कहीं ना कहीं अगर 10 रन पर ओवर उनको भी बनाना पड़ेगा इस विकेट पे तो मुश्किलें होंगी, नामुमकिन तो क्रिकेट में कुछ भी नहीं है। चलिए एक बार फिर से, बहुत अच्छी गेंद अंकित सिंह की, जाने दिया सलमान मिर्जा ने विकेट कीपर रोहित राणा के हाथों में। क्राउड कैच पे 800 रुपए की टोटल इनाम राशि है। अजीत यादव जी, अरविंद यादव जी, अरुण जी, अतुल जी, अनिल सिंह, अरे अनिल जी, अशोक जी, रवि जी, तमाम लोग इनाम लगाए हैं। टोटल धनराशि 800 है और हैट्रिक चौके छक्के या हैट्रिक विकेट पे भी 1000 रुपए अरविंद यादव जी, 1000 रुपए बड़े भाई अजीत यादव जी, अशोक यादव जी, अरुण जी, इन्होंने भी 1000 1000 और 500, टोटल 3500 रुपए की धनराशि है हैट्रिक पे। लगाइए और अपनी जेब गर्म करिए, माहौल गर्म करिए, रन बनाइए, विकेट लीजिए और पैसा कमाइए। अच्छी बॉल, फुल टॉस पे लिया सीधे बल्ले से, कॉर्पेट के सहारे लांगा फेरिए में सुनील बोकारो के पास। तो अब आगे के कमेंट्री दो ओवर के लिए मैं खालिद को माइक पे लाऊंगा। चलिए शुक्रिया। वहीं हमारे साथ जुड़े हुए थे संजीव सर फ्रॉम कोइरिया पार अहमदाबाद में, उनके लिए कह लिया जाए जो अपनी मोहब्बत के साथ मीठी मीठी आवाजों के साथ तमाम दर्शकों का दिल जीत रहे थे। तो दोस्तों बता दिया जाए कि जिस परवीन गिल का नाम ले रहा था मैं, वो परवीन गिल की अब तूफानी सी पारी अब आप लोगों के सामने आने वाली है। बिहार का ये शहजादा आज इस आजमगढ़ की धरती पर अपने हुक्म के सिक्के को बड़ी आसानी के साथ चलाता हुआ नजर आ रहा है। बिहार की सरजमीन पर एक हफ्ते पहले बड़ा तूफान लाया था परवीन गिल ने, लेकिन आज इस आजमगढ़ की बंसी बाजार के इलाके में क्या कुछ होने वाला है। दो छक्कों के साथ अपना इरादा बुलंद कर दिया है उस शहजादे ने, अभी सब कुछ बचा हुआ है इस मुकाबले में। और ये देखिए
चलिए वहीं देखा जाए, साथ ही साथ रमेश यादव ब्लॉक प्रमुख बिलरिया गंज का आगमन हो चुका है। इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही है कमेटी की टीम। यहां से रमेश यादव ब्लॉक प्रमुख बिलरिया गंज जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनका काफिला जुड़ चुका हुआ है, तो इनका भी शुक्रिया जो आपने आने का यहां पर छावर की। इसी साथ सलमान मिर्जा गेंद है हवा में, उसे इलाका बिल्कुल खाली और मिल जाएगा चौका बल्लेबाज सलमान मिर्जा को। ये सलमान मिर्जा अब खरबूजे को देखकर तरबूजा भी रंग बदल रहा है। परवीन गेल का बल्ला चल रहा था लेकिन अब सलमान मिर्जा ने भी अपना हाथ जमाया है, लेकिन क्या होगा, सामने गेंदबाज है अनस, इनका इम्तिहान ले रहा ये जाबाज परिंदा। इस मरतबा फिर से अगली गेंद राइट आर्म ओवर दी लेफ्ट आर्म अराउंड दी विकेट, और ये हवा में है, गेंद है फलक में, जान है हलक में और पकड़ लिया जाएगा कैच। ये जाना होगा पवेलियन बल्लेबाज सलमान मिर्जा को। ये लगा है झटका, अब क्या कुछ होने वाला है, क्या होगा, अब यहां से दिखने वाली बात होगी। दूसरा झटका लगा, पहला झटका पर प्रदीप यादव और दूसरा जो गेम खेला था, जो रणनीतियों के साथ गेम का समझौता किया था कैप्टन आप जो कहरा ने, उसपे सलमान मिर्जा की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। परवीन गेल है नॉन स्ट्राइक एंड पर, नए बल्लेबाज आएंगे, उन्हीं के साथ देखा जाए तो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हुए हैं जनाब रमेश यादव ब्लॉक प्रमुख बिलरियागंज, जिनका काफिला अभी अभी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं यहाँ की मुंतजमीन कमेटी, और उनके अलावा देखा जाए तो हमारे खुसूसी मेहमान के तौर पे इस पिंडाल की जीनत बने हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुसूसी मेहमान के तौर पे विजय यादव, पहले लिस्ट बोल दो भाई, 25 रन 3 विकेट पे। प्लेयर लिस्ट की बात की जाए दोस्त, नाम बोलिए, नाम बोल दीजिए उन लोगों का, तो गाजीपुरी की लिस्ट शायद, अरे उन लोगों की बोल दीजिए। देखिए जो कहरा में है बब्बू राय कैप्टन है, अजय है, प्रदीप है, विशाल है, सिकंदर भी है और श्याम, धीरज, परवीन गेल, शेखर, अखिलेश, सलमान मिर्जा और सुंदरम राय भी है। अनस, अनस। चलिए 12th नंबर पे है सुंदरम राय 12th मैन के तौर पे, और वहीं देखा जाए तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इस मुकाबले में। ज्यादा से ज्यादा अगर परवीन गेल स्ट्राइक एंड पर होंगे तो मजा आएगा मेहमानों को भी और दर्शकों को भी। सामने गेंदबाज अनस से तैयार, और ये गेंद है इस बार तो फिर से हवा में, लेकिन नो माइस लैंड में गिरेगी गेंद, वहां पर इलाका बिल्कुल खाली। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता आसानी के साथ एक रन लेकर अपना छोर बदला है दोनों ही बल्लेबाजों ने। अखिलेश यादव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, बड़ा नाम है सितारे का, अभी कोई शक्ल याद आई है जहां पर गोपालगंज बिहार का टूर्नामेंट चल रहा था सवनही बाजार में, वहां पर भी अखिलेश का बल्ला बड़े अच्छे अंदाज में चला था और गेंदबाजी तो बड़ी कमाल की थी। अनस सामने गेंदबाज है, इन्हीं को ही बोल्ड आउट किया था अखिलेश ने, लेकिन आज कुछ करना होगा, आज क्या बदला पूरा होगा ये देखने वाली बात होगी। सामने है परवीन गेल, सामने परवीन गेल है, उनके सामने है गेंदबाज अनस से एक मरतबा फिर से, और ये परवीन गेल रचनात्मक स्ट्रोक के साथ आक्रमण करना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर ये देखिए रन आउट का मौका बना था लेकिन वहां पर गवाया है और खराब बैकअप दिखा वहां पर बाउंड्री लाइन के नजदीक, एक रन और जुड़ गया है टीम के खाते में, दो रन। चलिए बाई का स्कोर आया है, और यहां से देखा जाए तो इसी मुकाबले के साथ साथ हमारे साथ रमेश यादव ब्लॉक प्रमुख बिलरिया गंज, और उन्हीं के अलावा विजय यादव जिला अध्यक्ष सदर आजमगढ़, जो पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव वर्तमान एमएलए के साहबजादे नजर आ रहे हैं, उनका भी शुक्रिया जो अपनी मोहब्बत के साथ आज इस टूर्नामेंट में चार चांद लगाते नजर आ रहे हैं। और इन लोगों की, इन्हीं मेहमानों की दुआएं लेते हुए अगर मुकाबले में नजरें डाली जाए तो बिल्कुल जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ नजर आ रहा है। दोनों ही टीमों का पलड़ा भारी इस मुकाबले में, 10+10 ओवरों का फाइनल मुकाबला चलता हुआ, कौन सी टीम इस मुकाबले में अपनी बादशाहत
हासिल करने वाली है या आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल चलते ओवर के खेल है जारी। सामने अनस नाम का परिंदा जो अपनी चढ़ती जवानी का भरपूर फायदा उठा रहा है। कहा जाता है कि हालात बदलने की खातिर दिलचस्प कहानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है जिस ओर जवानी चलती है। ये नौजवान सितारा इस मरतबा फिर से, और ये अंपायर के ऊपर निगाह है, वाइट बॉल का इशारा आ रहा है अंपायर का। दोनों अंपायरों की जुगल बंदी में चलता हुआ यह मुकाबला। तमाम क्षेत्र से आए हुए खेल प्रेमियों का शुक्रिया, जब अपनी मोहब्बतों के साथ आज टूर्नामेंट में अलग पहचान बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो लाइव टेलीकास्ट चला रहे हैं जफर एनजेड फेसबुक पेज पर करमाइनी की सरजमीन से, उनका भी शुक्रिया। और इन्हीं के साथ देखा जाए इस मरतबा फिर से अगली गेंद, और इस बार परवीन गिल टॉपेज लिया बल्ले का। और यहाँ पर ये देखिए, ये कैच अगर पकड़ा जाता तो मुश्किल में पड़ने वाली थी से जो कह रहा 11, लेकिन ये बहुत बड़ी विकेट थी। परवीन गेल की विकेट, क्या लाजवाब बल्लेबाज है ये। दो छक्का लंबा जमाया है इस बल्लेबाज ने, लेकिन अब थोड़ा सा खामोश है बल्लेबाज, थोड़ा सा खामोश है, लेकिन अभी इरादा बुलंद है क्योंकि लंबा ओवर है। तीन विकेट गिर चुकी है, उसका भी सामना करना पड़ सकता है। अब वही गेंदबाजी वाली टीम जो नजर आ रही, गाजीपुर आतिफ एंड कंपनी गाजीपुर की टीम जो मुकाबले में अपना दावा मजबूत कर रही है। बड़ी टीम को हराया उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में, रवि बनारस, रंजीत बनारस, उसके अलावा कृष्णा मूर्ति जैसे गेंदबाज थे उस टीम के अंदर। बड़ी बड़े सितारे थे, बड़े सितारों से भरपूर टीम नजर आ रही थी। जो रवि बनारस को हिंदुस्तान का तीसरा शहजादा कहा जाता है, उस बल्लेबाज को धूल चटाई थी गाजीपुर के खिलाड़ियों ने, लेकिन उसके बाद से अपना हुक्म का सिक्का बड़ी आसानी के साथ चलाती नजर आ रही आतिफ एंड कंपनी गाजीपुर। लेकिन अब क्या कुछ होगा मुकाबले में, इस मुकाबले का आउट किस करवट जाएगा, किसकी झोली में जाएगा ये मुकाबला, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल 10+10 ओवर है मुकाबला, चार ओवर के बाद स्कोर है टोटल 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 54वें ओवर की पहली गेंद और हल्के बल्ले से खेला वहां पर अखिलेश ने, सम्मान देते हुए गेंद को रोका शॉर्ट शिल्ले पॉइंट की दिशा में, 30 गज दायरे से थोड़ा सा बाहर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है एक रन लेने का मौका। और अखिलेश बिल्कुल जान रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अगर परवीन गिल के पास रहेगी तो मजा आएगा, लेकिन भैया गेंदबाज भी कुछ कम है नहीं, लोहे का चना चबाता नजर आने वाला है। ये गेंदबाज अच्छे अच्छे बल्लेबाजों की खबर लेता है, लेकिन क्या होगा अब यहां से, क्या उनका हुक्म का सिक्का चलेगा या फिर बल्लेबाज एग्जामिनर के तौर पर इनका इम्तिहान लेने वाला है, यह अभी कुछ ही लम्हे में दिखने वाला है। तो चलिए सामने वाले छोर से अनुज गुप्ता, सामने वाले छोर से अगली गेंद, बल्लेबाज परवीन गिल, और ये परवीन गिल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिलीवरी बाय अनुज गुप्ता। यहां से कह लिया जाए कि एक अच्छा स्पेल हवाले कर दिया था। वहीं बल्लेबाज अब कह रहा है गेंदबाज से, चलिए यहां से देखा जाए मुश्किलें बढ़ने वाली है, ये फाइनल मुकाबला है, थोड़ा सा तेजी पैदा करनी होगी, तेजी पैदा करनी होगी। अब यहां से अगली गेंद, और ये इस साइड एज लिया, क्या स्टंप से टकराया, और ये गए काम से, ये लगा है पहला अगला छटका। ये परवीन गिल क्या करना चाह रहे थे, गेंद अचानक से अंदर आई, कटर गेंद डाली थी गेंदबाज ने, और ये अनुज गुप्ता की काबिलियत है, परवीन गिल जैसी बड़ी मछली जाल में फंसा ली है यहां से इस गेंदबाज ने। और अब क्या होने वाला है, वहीं बल्ले गेंदबाज ही कह रहा था कि ऐ मौत कुछ पल के लिए हट जा सिरहाने से, मेरा कातिल मेरे जीने की दुआ मांगे है। तो यहां से अब परवीन गिल जैसे खतरनाक बल्लेबाज की विकेट हासिल कर ली है गेंदबाज ने, चौथा झटका। अब क्या होगा, बीच मझधार में नैया लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है, चलिए देखा जाए अनुज गुप्ता।
बेहतरीन स्पेल रहा है अनुज गुप्ता का, बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी, क्या लाइन लेंथ परखी है। और बड़े बल्लेबाज परवीन गेल जैसे बल्लेबाज की विकेट हासिल करना बहुत बड़ी महारत होती है, उसको यहां पर समझा और बड़ी विकेट। और जितना यहां पर जश्न मना रही है सामने वाली टीम, ये सोच रही है कितना बड़ा खजाना हाथ लगा है, बहुत बड़ा यहाँ से जखीरा बटोर लिया है इन सितारों ने। लेकिन अब क्या कुछ होगा, अब लड़ैया लड़खड़ा रही है यहाँ से, बीच मझधार में हिचकोले खा रही है, कुछ करना होगा, यहाँ से सर धर की बाजी लगानी होगी। पांचवें ओवर का खेल है जारी, चार बल्लेबाज पॉइंट लौट चुके हैं, लेकिन अब बल्लेबाज आए हैं श्याम यादव, अखिलेश नान स्ट्राइक एंड पर, स्ट्राइक पर श्याम यादव, इनकी जुगलबंदी में क्या कुछ होने वाला है। सामने अनुज गुप्ता, क्या लाजवाब गेंदबाजी की है सितारे ने, बिल्कुल अपनी ढलती हुई जवानी का भरपूर फायदा उठा रहा है ये सितारा। क्या होगा अब यहाँ से, क्या होने वाला है ये देखने वाली बात होगी। और यहाँ से श्याम यादव के लिए गेंद थी, बल्ला चलाया, जानबूझकर छिड़खानी करने की कोशिश की गेंद के साथ, लेकिन भाग्यशाली रहेगी गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा नहीं लिया, वरना खतरा होने वाला था। और खुदा न खास्ते गेंद बल्ले को चूमती हुई जाती रोहित के ग्लव्स में, तो यहाँ से बड़ी मुश्किल सामने आने वाली थी। खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे से निपटारा करना होगा, निपटना होगा अब यहाँ से। फिर से सामने वाले छोर से अनुज गुप्ता, सामने वाले बल्लेबाज के लिए, और इस मरतबा लेग स्टंप से बाहर, गेंद वाइड बॉल का इशारा। चलिए स्कोर है 35 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। पांचवें ओवर का खेल जारी, अनुज गुप्ता सामने तैयार, और मुश्किलें यहां से अब बल्लेबाजी वाली टीम के लिए बढ़ रही है। लो स्कोरिंग गेम देखा गया इस टूर्नामेंट में, 60 से ही रन बन पाया था पिछले मुकाबले में, लेकिन इस मुकाबले में ये फाइनल मुकाबला है, कुछ करना होगा। और यहां से देखिए पंच किया है शॉट को, वहां पर खिलाड़ी तैनात, 30 गजारी के अंदर फील्ड करने की कोशिश, लेकिन गेंद बड़ी उछाल लेती नजर आ रही थी। खिलाड़ी गेंद के साथ यही कह रहे थे कि आ जाओ सनम मेरे हाथों में, गेंद ने कहा ना बाबा ना, मुझे कहीं और जाना है। इस तरीके से एक रन जुड़ा है बल्लेबाज के खाते में, और इस एक रन के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 36 रनों पर। पांचवें ओवर का खेल है प्रगति पर, और इसी के साथ देखा जाए तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रमेश यादव ब्लॉक तरमो का बिलरियागंज, और उन्हीं के साथ साथ विजय यादव जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सदर आजमगढ़, जो पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव वर्तमान एमएलए आजमगढ़ सदर, उनके साहबजादे नजर आ रहे हैं, उनका काफिला यहां पर पिंडाल के अंदर बैठकर इस मुकाबले का लुत्फ उठाता नजर आ रहा है, उनका भी शुक्रिया। तमाम खेल प्रेमियों का शुक्रिया जो इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए हैं। तो 5 ओवर के बाद स्कोर है टोटल 37 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। और अनुज गुप्ता की बात की जाए तो 2 ओवर का स्पेल डाला है, अपने स्पेल में 2 ओवर डाले हैं, 6 रन दिया है इस गेंदबाज ने, 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल की है, 2 महत्वपूर्ण विकेट, प्रदीप यादव को आउट किया, परवीन गेल को आउट किया, दोनों खतरनाक बल्लेबाज को आउट किया है। तो चलिए स्ट्राइक एंड पर होंगे अखिलेश यादव, और नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे श्याम यादव, गेंदबाज होंगे अनस शेख, और इसी के साथ आंखों देखा हाल। अगले 2 ओवर के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पंकज यादव, इसी सरजमीन से ताल्लुक है इनका, जो अपनी मोहब्बत के साथ इस टूर्नामेंट में गुजरने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब ने, लेकिन इस समय अखिलेश साहब बल्लेबाजी कर रहे हैं, देखना होगा कि इनके बल्ले में कितना ताकत है कि आखिरकार गेंद को किस तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर भेजते हैं। बल्ला घुमाया है, और इसी के साथ कह सकते हैं लेग साइड में, लेकिन एक रन चुरा लिया। बड़ी खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे हैं अखिलेश, लेकिन अब देखना होगा कि उनके बल्लेबाजी में कितना बदलाव आता है। खालिद साहब और सुजीत साहब सही कह रहे हैं कि अगर आपको फाइनल मुकाबला जीतना है तो रणनीति बनाकर खेलनी होगी। क्या करेंगे गेंदबाज, और हैट्रिक अगर आप छक्का मारेंगे और विकेट लेंगे तो उकरोड़ा के प्रधान, हेलो हेलो
हेलो। चलिए, लेकिन यहाँ पर हैट्रिक विकेट और हैट्रिक छक्का लगाने पर उकरौड़ा के प्रधान अरविंद यादव जी की तरफ से 1,000 रुपए का इनाम है, एवं अजीत यादव जो ब्लॉक प्रमुख है ताबरपुर उनकी भी तरफ से 1,000 रुपए का इनाम है। और बड़ा खूबसूरत मुकाबला चल रहा है इस समय। देखना होगा कि इस फाइनल मुकाबले को कौन टीम अपने नाम करती है, ये तो वक्त बताएगा, ये तो समय बताएगा। टोटल स्कोर 39 रन। चलिए शुक्रिया। लेकिन बल्ला घुमाया और कीपर साहब ने बड़े खूबसूरती से इस कैच को अपने दस्तानों में कैच कर लिया। लेकिन कीपर साहब की दाद देनी होगी कि आपने बड़ा खूबसूरत कैच पकड़ा। लेकिन इसी के साथ विकेट का पतन होता हुआ, और कह सकते हैं कि इस विकेट की अहमियत बहुत बड़ी है, क्योंकि बल्लेबाज बहुत अखिलेश जी ये थे जो बड़ी खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन नए बल्लेबाज, उनका नाम बता दीजिएगा, सिकंदर राजा। देखना होगा कि वो क्या करते हैं अपने बल्लेबाजी की वजह से। हेलो, तब अब नए बल्लेबाज सिकंदर राजा। अब देखना होगा कि अपनी टीम को किस तरीके से आगे ले जाते हैं इस फाइनल मुकाबले के लिए। टोटल स्कोर है 39 रन, 5 विकेट के नुकसान पर, 6 ओवर की समाप्ति पर। 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, अब 4 ओवर बचे हैं शेष, और 4 ओवर में आपको अपने हिसाब से बल्लेबाजी करनी होगी कि आपकी टीम कितने आगे जाती है, ये तो देखना होगा। लेकिन संजीव साहब बड़े खूबसूरत बात कह रहे हैं कि आपकी बल्लेबाजी और आपकी काबिलियत और आपकी परफॉर्मेंस ये तय कर देती है कि आप फाइनल मुकाबले में किस तरीके से बल्लेबाजी, बल्कि फील्डिंग, गेंदबाजी, अन्य क्षेत्रों में किस तरीके से फील्डिंग करने वाले हैं। लेकिन आप देखना होगा कि नए बल्लेबाज सिकंदर क्या करते हैं, ये तो समय बताएगा। और बल्ला घुमाया आउटसाइड में, मुझे लगता है कवर के ऊपर से सीधे, लगता है 6 रन। बड़ी सुंदर बल्लेबाजी कर रहे कवर के ऊपर से, फ्लैट सिक्स लगाना आसान नहीं होता है, फ्लैट सिक्स लगाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन इसीलिए कहते हैं कि हम ना होते तो गजल क्या कहता, तेरे चेहरे को कमल कौन कहता, कि हम ना होते तो गजल क्या कहता, तेरे चेहरे को कमल कौन कहता, जनाब ये तो मोहब्बत का असर है, वरना कोई पत्थर की दीवार को ताजमहल नहीं कहता। अगली गेंद, बल्ला घुमाया लेकिन कीपर के दस्तानों में। दोनों अंपायरों का बहुत बहुत स्वागत है कि आपकी सहयोग की वजह से इस महा क्रिकेट संग्राम टूर्नामेंट हो रहा है उकरौड़ा की सरजमी पर। और हमारे बीच जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव जी और अरविंद यादव जी, तमाम बड़े पॉलिटिकल लीडर यहां पर इस मंच पर विराजमान हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन खूबसूरत गेंदबाजी कर रहे हैं। लेकिन सिकंदर राजा को तय करना होगा कि आपकी टीम आगे किस तरीके की रणनीति के साथ आगे जाती है। अभी कुछ ही पलों में हम चलेंगे संजीव भाई के पास, वो हमको बताने वाले हैं कि आने वाले ओवरों में किस तरीके से बल्लेबाजी करनी होगी। फिर बल्ला घुमाया, हो बड़ा खूबसूरत, जनाब आपने जिस महफिल को लूटी ही लिया, जनाब जिस तरीके से आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपने
जिस तरीके से सिक्स लगाया पूरी तरीके से ग्राउंड के बाहर गेट जाके गिरी, और इसीलिए कहते हैं ना कि आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है, आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में मुकाम आता है, बड़े खुश नसीब है साहब वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। तो तमाम बॉर्डर पे उन सैनिकों को सलाम है इस सुगरौड़ा की सरजमी से। अगली गेंद फिर घुमाया, हैट्रिक सिक्स, कैच लेगा तो 800 रुपए का इनाम है। हैट्रिक सिक्स कोई मारेगा तो उसे इनाम है, लेकिन हैट्रिक कैच कोई रोकेगा, एक कैच रोकेगा तो 800 रुपए का इनाम है। अजीत यादव, अरविंद यादव, अशोक यादव, अरुण यादव, तमाम उनकी तरफ से है। सिकंदर एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं, बॉल की सप्लाई बनाए जो इस विकेट पे लगातार 5 छक्का लगा चुके हैं इससे पहले। सिकंदर एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो इस विकेट पे इससे पहले लगातार बैक टू बैक 5 छक्के लगा चुके हैं, और इस समय ऑन द हैट्रिक है। अगर इस बॉल में छक्का लगा जाते हैं तो 3500 रुपए के इनाम जीत जाएंगे। मनीष यादव सिकंदर के लिए, बल्ला घुमाया था जरूर बड़ी तेजी के साथ, लेकिन इस बार थोड़ी सी चतुराई से गेंद को ऑफ स्टंप के बाहर कर दिया। बड़ी देर के बाद 2 छक्का आया और स्कोर में इजाफा हुआ 7 ओवर 58 रन और 5 विकेट। अगले 3 ओवर में अगर ये टीम 35 से 40 रन बनाने में सफल हो जाती है तो निश्चित रूप से बहुत ही रोमांचक, बड़ा मजेदार मुकाबला होगा। बड़ा आले दर्जे का स्ट्रोक खेला था, ह्यूज स्ट्रोक था, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। काफी ऊंचा लंबा चौड़ा छक्का मारा गया था, जिस छक्के मारने पे 500 रुपए का इनाम था सिंह साहब जी की तरफ से, तो वो पैसा जमा कर दिया जाए यहाँ पे। तो 19 रन आए थे पिछले ओवर में, तो अब बचे हैं 18 बॉल। इन 18 बॉल में स्कोर है 58 रन। तो श्याम यादव ने इस ओवर में एक फ्लैट छक्का लगाया था, कैच किया जा सकता था, लेकिन वहां सुनील बोकारो थोड़े से छोटे पड़ गए। तो ये दोनों बल्लेबाज अगले 3 ओवर तक बल्लेबाजी कर जाएंगे तो कहीं ना कहीं 35 से 40 रन बनाया जा सकता है। अनिल है नए गेंदबाज, अनिल प्रधान बॉलिंग करेंगे श्याम यादव के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, दौड़ना शुरू किया, अंपायर को क्रॉस किया, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक भाई श्याम यादव। इतनी पावर थी कि बॉल वायर में टकराने के बावजूद छक्का चला गया, तो लाजवाब बल्लेबाजी इस बॉलिंग लाइनअप के सामने, उमदा बल्लेबाजी। और ये जो दोनों बल्लेबाज हैं मऊ जिले से बिलोंग करते हैं, श्याम यादव और सिकंदर, और जमकर खबर अब ले रहे हैं, बॉल की सप्लाई बना रखे प्रफुल्ल यादव जी, बॉल की सप्लाई ऑल द वॉलेंटियर साहब उकरौड़ा आजमगढ़। आपका ये टूर्नामेंट बिल्कुल एक कामयाब टूर्नामेंट है, ये जो फाइनल होगा बिल्कुल मजेदार होगा। अब जो स्कोर टीम बनाएगी समझ लीजिए टोटल फाइटिंग स्कोर है 64 बताया। ये देखिए बैक हैंड स्लोअर, जैसे ही देखा कि तेजी से बैट्समैन अब घबरा नहीं रहे तो उन्होंने अपनी स्पीड को डाउन किया, उंगलियों को फिराया और डॉट बॉल कराई। एक बार हम और आप लोग को बता दें, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं परम आदरणीय श्री रमेश यादव जी, ब्लॉक प्रमुख बिलरियागंज, साथ में विजय यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आजमगढ़। इन तमाम लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद है जिन्होंने इस गर्मी में इस टूर्नामेंट के लिए अपना बेशकीमती समय निकाला। स्वर्गीय राजेंद्र यादव की स्मृति में प्रफुल्ल यादव के द्वारा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया, अपने स्वर्गीय पिताजी की याद में उन्होंने इस टूर्नामेंट को दूसरी साल आयोजित किया और एक शानदार टूर्नामेंट चलता हुआ। श्याम यादव वंस अगेन रेडी होते हुए क्या लाजवाब स्ट्रोक, अब ये स्कोर कहीं ना कहीं 100 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल इस बार पढ़ लिया, इस बार श्याम यादव ने देख लिया था अनिल की इस बॉल को और बिल्कुल लाजवाब स्ट्रोक खेला। जमकर खबर ली जा रही है इन तमाम बड़े गेंदबाजों की, यही होता है क्रिकेट और गिरगिट। पिछले मैच को इन्होंने भरी भांति देखा, उनको मालूम था कहीं न कहीं बहुत जल्दबाजी की थी रणजी स्पोर्ट्स। तो श्याम और सिकंदर
अच्छी बॉल इस मर्तबा वापसी किया मिस्टर अनिल ने। शॉट ऑफ गुड लेंथ बॉल थी, पुल करना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, सीधा बॉल विकेट कीपर के हाथों में। तो कहीं ना कहीं जो स्कोर है अब टोटल जो स्कोर 70 है, फाइटिंग स्कोर बना रही टीम। अगर यहां से 25 से 30 रन और ये टीम लूट लेती है, बना लेती है, तो 100 रन का जो टारगेट होगा बड़ा मजेदार मैच होगा बिल्कुल। क्योंकि जैसी बॉलिंग लाइनअप है, जोकारा के पास अजय यादव, सलमान मिर्जा, अखिलेश यादव, व्हाट अ स्टॉप, बॉल हवा में है, उसके नीचे मनीष यादव ने कैच छोड़ा। तो कैच छोड़ो मैच छोड़ो, ये पुरानी कहावत है। पिछले मैच में देखा विजय गेल सहनी ने और शमशाद ने कैच टपकाया था तो उनकी टीम परास्त हो गई थी। अब यहाँ पे मनीष यादव अच्छे क्षेत्र रक्षक है, उनका कैच छोड़ना कहीं न कहीं भारी पड़ने वाला है। 8 ओवर समाप्त हो चुका है, स्कोर है 72 रन, 9 रन पर ओवर के हिसाब से बल्लेबाजी ये टीम कर रही है। अगर ये दोनों बल्लेबाज अंतिम 2 ओवर तक बल्लेबाजी कर जाएंगे तो निश्चित रूप से 25 से 30 रन बनाया जा सकता है। लेकिन वही देखा जा रहा है, अंकित सिंह कल की गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। तो सिकंदर, अगर किसी बल्लेबाज ने इस विकेट पे दर्शकों का मनोरंजन किया तो वो है सिकंदर, जो घोसी एरिया से बिलोंग करते हैं, मऊ घोसी। पिछले मैच में बैक टू बैक 5 छक्का लगाया था सिकंदर ने और 2300 रुपए की बड़ी राशि जीती थी। अगर कहीं ना कहीं इसमें हैट्रिक लगा देते हैं तो 3500 रुपए के हकदार हो जाएंगे। और अभी जो पिछला छक्का आपने देखा, टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का, उस छत पे मारने पर और गेंद ने बैट का एज लिया और कोई मौका नहीं फील्डर के पास, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। जो मोमेंटम है वो शिफ्ट हो चुका है इस समय जोकारा की तरफ। अजय यादव एंड कंपनी लकी टीम है, अक्सर बड़े टूर्नामेंट में बड़ी उलटफेर करती है। तो उस छत पे शिवशंकर सिंह जी की छत पे उस छक्का लगाने पे 500 रुपए का इनाम जीत चुके हैं रमा शंकर सिंह जी, धन्यवाद आपका। तो फाइनल बिल्कुल एक शानदार माहौल में चलता हुआ और एक से एक पॉलिटिशियन इस मैच का आनंद उठा रहे हैं और अपना बेशकीमती समय निकाला है इस टूर्नामेंट के लिए, तो मैं उनका बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा। फिर से अंकित सिंह, अच्छी बॉल ब्लॉक होल में, टोनी सिंह ने गेंद को फील्ड किया, तब तक छोर बदलने का मौका था, ओवर थ्रो किया वहां पे बैकअप रोहित यादव के द्वारा। तो अब बची हुई कुछ गेंदों पे 3-4 छक्के लगाने होंगे। तो मंच की जो शोभा बढ़ा रहे हैं, मैं एक बार फिर से आप तमाम लोगों को बता दो, मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं विजय यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष आजमगढ़, साथ में है ब्लॉक प्रमुख, करंट ब्लॉक प्रमुख बिलरियागंज रमेश यादव जी, साथ में है तहबरपुर ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई अजीत यादव जी। इन तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बड़ी उमस गर्मी में समय निकाला और इस मंच की शोभा बढ़ा रहे हैं, धन्यवाद आप तमाम लोगों का। अच्छी बॉल बल्ला घुमाया था सिकंदर रजा ने, लेकिन गेंद में इतनी रफ्तार थी कि लाइन में बगैर आए बल्ला चलाया था। तो अब बची है तकरीबन 8 बॉल, तो इन 8 बॉल में कम से कम 15-20 रन बनाना होगा। 100 के आंकड़े को अगर छू लेती है टीम तो बहुत ही रोमांचक मुकाबला होगा, क्योंकि उनके पास और इस बीच स्ट्रोक, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्रोक, और 800 रुपया लग रहा जीत लिया किसी ने, 800 रुपए की दिहाड़ी बन गई है वहां पे। आ जाइए, बॉल को अंदर फेंक दीजिए, 50-50 कर लीजिएगा भाई, जिनके हाथ से बॉल छिटकी है उनको भी 400 दे दीजिएगा, ये मैं कहूंगा, नहीं तो बहुत टफ कैच था ये, कैच चुकी हो गया है, कामबो कर लीजिए आप लोग, दोनों लोग आइए, बिल्कुल कमेटी ने निर्धारित कर लिया कि दोनों लोग को दिया जाएगा, आ जाइए, पहले जिसने टच किया था और वापसी किया। इतने बड़े बड़े बॉलरों को सिकंदर राजा बड़ी दूर दूर छक्का लगा रहे हैं। स्कोर हो गया है 84 रन इस छक्के के साथ, ओवर समाप्त हुआ, 9 ओवर 84 रन और 5 विकेट। तो दो लोगों ने कॉम्बिनेशन टैकल किया, कबड्डी होती तो इसे टैकल बोलते,
जैसे अगर कोई प्लेयर आउट होता है तो कॉम्बिनेशन टैकल था, दो लोगों ने मिलकर इसको कैच किया तो 800 रुपए की धन राशि थी, तो 400 रुपए आप लोग डिवाइड कर लीजिएगा भाई ईमानदारी। चलिए अनिल यादव, अब आएंगे मनीष यादव। पिछले मैच में बड़े महंगे, पिछले ओवर में बड़े महंगे साबित हुए थे, क्या ये ओवर मोमेंटम शिफ्ट करेगा, क्या यहाँ से मामला बनेगा? सुनील माल्या जी भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप इस इनिंग के बाद आप आ जाइएगा, और इस इनिंग के तत्काल बाद दोनों टीमें लाइनअप हो जाएंगी, और हमारे जो ऑनर है, हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट है, वो सर्वसम्मति से जाएंगे, रिबन काटेंगे और परिचय प्राप्त करेंगे। चलिए दोनों लोग आ गए हैं, तालियां बजा दीजिए। आप तमाम लोग के पास भी मौका है क्राउड कैच पे। हाँ चलिए वो लोग समझ लेंगे। प्रफुल्ल यादव जी देखिए आप लोग आ गए हैं, तो श्याम यादव ठीक है, एक ओवर बचा है, रुक जाइए, एक इनिंग के बाद आप लोग को दिया जाएगा, तब तक कहीं देखिए और भी फील्ड में जगह है तो अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। एक तरफ श्याम यादव है तो दूसरी तरफ मनीष यादव है, सिकंदर है नॉन स्ट्राइक पे, स्कोर है 84 का, पहली बार अंतिम ओवर की, 10वें ओवर की, और इसमें फंसा लिया है इस बार टोनी सिंह की गोद में, श्याम यादव के इनिंग का खात्मा। अब आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए, देखन में चोट लगे घाव करे गंभीर धीरज शर्मा, बड़े आक्रामक शैली के बल्लेबाज हैं। कैच किया टोनी सिंह ने, एक आसान था कैच टपकाया था मनीष यादव ने, तो कहीं ना कहीं इस मर्तबा टोनी ने कैच किया। देखिए क्या कॉम्बिनेशन है, तालियां बजा दीजिए, दो भाइयों ने मिलकर इस कैच को किया है, राम और श्याम ने, गजब की जुगलबंदी है भाई, दोनों भाइयों ने मिलकर 800 रुपए का काम कर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो, इस प्रकार के इनाम लगे हैं कि कोई भी इस इनाम को जीत सकता है, ये पूरे दर्शक के लिए है। बैट्समैन है धीरज शर्मा, बड़े धमाके, छोटा पैक बड़ा धमाका है ये, लेकिन अब 5 बॉल बची है, एक दो छक्के लगाइए, 100 तक लेके जाइए, 84 है स्कोर, या सिकंदर को लाइए जो बड़े बड़े छक्के लगा रहे हैं अपनी टीम के लिए। बल्ला घुमाने से काम नहीं चलेगा यहाँ पे, क्योंकि बॉल को मिडिल करना होगा, जब आपके सामने आपका साथी इतना अच्छा बल्ला घुमा रहा हो, इतनी लाजवाब बल्लेबाजी कर रहा हो तो उसको मौका दीजिए, क्योंकि अभी जो स्कोर है बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि 100 के आंकड़े को छूना पड़ेगा, आपको 100-90 बनाने पड़ेंगे तब मामला बनेगा। मनीष यादव और यहां पे धीरज शर्मा रन आउट, सिकंदर व्हाइट बॉल, तो सिकंदर रजा आ गए स्ट्राइक पे। अब आएंगे कैप्टन की भूमिका तो अदा करेंगे, लेकिन कैप्टन है पप्पू राय साहब, अजय यादव मझवलिया गोरखपुर आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। व्हाइट बॉल थी, बिल्कुल साफ देखा गया है हमारे बीच, पप्पू यादव जी महाप्रधान बैठे हुए हैं, वो भी पूरे दिन इस मैच का लुत्फ लिया, आनंद उठाया, तो इन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अजय यादव आ रहे हैं, तो अब बची है 4 बॉल, इन 4 बॉल में अगर सिकंदर रजा 1-2 छक्का लगा देते हैं तो मामला बन जाएगा, उनकी टीम एक मजबूत स्कोर की तरफ अग्रसर होती हुई दिख रही है। चलिए सिकंदर क्या लगाएंगे छक्का, क्या मनीष की खबर लेंगे, ये है ओवर की तीसरी बॉल सिकंदर के लिए, अच्छी बॉल, इस मर्तबा आप स्टंप के थोड़ा सा बाहर कर दिए, अभी भी 3 बॉल आनी बाकी है, अगर कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी नहीं की जाएगी तो 3 बॉल का आना बाकी है। निर्णायक है सुरेंद्र मौर्य, सुनील मौर्य और विनय कुमार, दो दिग्गज निर्णायक इस समय। एक बार फिर से पल्ला घुमाया, व्हाट अ स्टॉप, व्हाट अ ब्यूटीफुल, देखिए मारो, एक बार फिर से दिहाड़ी बन गई है, आ जाइए 800 रुपए का इनाम जीतते हुए, 800 रुपए का काम कर दिया है, क्या कमेटी है भाई, बहुत सारा इनाम लगाई है। लेकिन उससे पहले मैं इस छक्के की जितनी तारीफ करूं कम है, इस विकेट पे, इस तेज तर्राक विकेट पे, इस प्रकार धुआंधार बल्लेबाजी, सिकंदर रजा ने पूरी तरीके से बंदर बना दिया यहाँ पे गाजीपुर के तमाम गेंदबाजों को। सिकंदर एक बार फिर से, सिकंदर व्हाट अ ब्यूटीफुल पावर हिटिंग बाय सिकंदर ऑन द हैट्रिक मिस्टर सिकंदर। अब स्कोर जो है मामला बन गया है, अब मजा आएगा, अब गाजीपुर के बल्लेबाजों की बारी है। स्कोर हो गया 97 रन, 11 बॉल 35 रन, इस
विकेट पे जो एक समय ऐसा लग रहा था कि बॉल एकदम गोले की तरह आ रही है, उस विकेट पे ताबड़तोड़ 5 छक्का लगा दिया। इनिंग की आखिरी बॉल ऑन दी हैट्रिक, क्या 3500 रुपए जीतेंगे सिकंदर। हाँ, डॉट कर गए, अच्छा प्रयास। तो अब मैं बता दूं, दोनों टीमें लाइनअप होने सर्वप्रथम वहीं पे, उसके बाद ब्रेक लिया जाएगा और कमेटी अपना जो अगला कार्यक्रम है आप तैयार कर लीजिए। और 10 ओवर 97 रन 7 विकेट 12 बॉल में 35 रनों की बेजोड़ इनिंग खेली दोनों टीमें। हाँ, दर्शक नहीं जाएंगे, दोनों टीमें लाइनअप हो जाएंगी और हमारे चीफ गेस्ट, ऑनरेबल चीफ गेस्ट परम आदरणीय, मैं बताना चाहूंगा आप तमाम लोगों को इस मैच का रिबन काट का उद्घाटन करने के लिए जो जाएंगे इस मैच के आज के फाइनल दिन के, इस स्वर्गीय राजेंद्र यादव जी की स्मृति में जो इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया गया था, इसका रिबन काटने के लिए, इस फाइनल मैच का उद्घाटन करने के लिए मैं बता दूं आप तमाम लोगों को जो शख्सियत हम लोगों के बीच मौजूद है।